जनसंख्या नियंत्रण पर यूपी में नई नीति का ऐलान। सीएम योगी बोले, बढ़ती आबादी विकास में बाधा। देश में पिछले 24 घंटे में 37,154 नए मामले दर्ज, वहीं 724 लोगों की हुई मौत। कोरोना के बीच अब मंडरा रहा है जीका वायरस का खतरा। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहर अलर्ट पर। दिल्ली में आज पेट्रोल 101 रुपए के पार, डीजल 16 पैसे हुआ सस्ता। यूपी में बिजली गिरने से 41 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा मवेशी झुलसे। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से घाड़ की नदियां में उफान आया है, जिससे सहारनपुर के मिर्जापुर के पाटली की नदी में पानी का सैलाब आया है। वह इस हालात में भी जान जोखिम में डाल बच्चे तेज पानी के बहाव को पार कर रहे हैं। ग्रामीण मूसलाधार बारिश से काफी ज्यादा परेशान है। वही मैनपुरी के घिरोर थाना क्षेत्र में नियाजी पेट्रोल पंप के पास एक अज्ञात वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसके पास से मिले मोबाइल से उसके परिजनों को सूचना भी दे दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर देहात में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जिले में 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मरने वालों में 2 किशोर, 2 महिला और 1 पुरुष शामिल है। साथ ही 5 मवेशियों की भी आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई है। घायलों को सीएचसी और जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तहसील प्रशासन ने बचाव कार्य भी शुरू कर दिया है। वहीं आगरा के थाना निबोहरा क्षेत्र में दरोगा की खुलेआम दबंगई देखने को मिली है। मास्क न लगाने पर दरोगा ने युवक के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद युवक ने मारपीट करने का दरोगा पर गंभीर आरोप लगाया है। वहीं दरोगा के खिलाफ एकत्रित हुए ग्रामीणों ने डंडनियापुरा चौराहे पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है और इसके बाद क्षेत्र विधायक जितेंद्र वर्मा ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को शांत कराया है। इस मामले के बाद एसएसपी आगरा ने तत्काल प्रभाव से थाना निबोहरा में तैनात दरोगा को लाइन हाजिर भी कर दिया है। एक सनी नामक यहाँ पे ऐसा ही है, चेकिंग के नाम पे यहाँ लोगों का उत्पीड़न करते थे और हमारे एक साथी सहयोगी हैं, उनके साथ भी आज अभद्रता की। हमारे पास से यहाँ हमारे सम्मानित जो नेता है यहाँ के, उनका फोन गया। मैंने कप्तान साहब आगरा से बात की, उन्होंने तत्कालीन प्रभाव से उसे पुलिस लाइन कर दिया और मैं उस जिसके घटना साथ हुई है मैं ले भी जा रहा हूं। अभी कप्तान साहब मिलवा के उसको चिट्ठी मजरूम बनवाऊंगा और उसके खिलाफ मुकदमा भी लिखवाने का काम करूंगा। इस दरों वहीं शाहजहांपुर के थाना खुटार के छापा बोझी गांव में मैक्रोनी खाने से बाप बेटे की मौत हो गई है। वहीं मासूम भाई समेत 3 लोग बीमार हो गए हैं। आपको बता दें कि दुकान से खरीद कर घर में मैक्रोनी बनाई गई थी। 3 दिन में बाप बेटे की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। मौत की खबर पर डॉक्टर और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम देर रात गांव पहुंची है। तो शाहजहांपुर से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां पर मैक्रोनी खाने से बाप बेटे की मौत हो गई है। वहीं मासूम भाई समेत 3 लोग बीमार भी पड़ गए हैं। आपको बता दें कि दुकान से खरीद कर घर में मैक्रोनी बनाई गई थी और 3 दिन में बाप बेटे की मौत से घर में कोहराम मच गया है। मौत की खबर पर डॉक्टर और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम देर रात गांव पहुंची और साथ ही साथ इस मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है।
वहीं मैनपुरी के किशनी के ग्राम गुलरियापुर में तीन सिर के अद्भुत बालक का जन्म हुआ है। गुलरियापुर निवासी रागनी के परिजन ने बताया कि रागनी 9 माह की गर्भवती थी। वहीं सूचना पर अस्पताल में भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि अभी मां और उसका बच्चा दोनों ही सुरक्षित है। प्रयागराज और कौशाम्बी जनपदों में वज्रपात से 17 लोगों की मौत हो गई है। आकाश में गरजते चमकते बादलों के बीच से वज्रपात के दौरान प्रयागराज में 14 महिलाओं, पुरुषों और बच्चों की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में पशु भी मारे गए। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत से हाहाकार मचा हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासनिक अफसर भी स्तंभ रहे हैं। वहीं कौशाम्बी जनपद में किशोरी समेत 4 लोगों की जान चली गई। प्रतापगढ़ में भी बारिश के दौरान वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई है। वहीं अलकायदा से जुड़े 2 आतंकियों के रविवार को पुलिस में पकड़े जाने के बाद में खलबली मची हुई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके खतरनाक इरादों का बड़ा खुलासा किया है। एडीजी ने बताया है कि आतंकी मिन्हाज अहमद और मसरुद्दीन ने 15 अगस्त से पहले लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के 6 से ज्यादा शहरों को दहलाने की साजिश रची थी। प्रशांत कुमार के साथ IGATS डॉक्टर GS गोस्वामी ने बताया है कि आतंकी मिन्हाज और मसरुद्दीन ने लखनऊ में ही प्रेशर कुकर बम की खेप तैयार करने के साथ ही 15 अगस्त से पहले लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, बरेली व अयोध्या को दहलाने की योजना बना ली थी। इन दोनों आतंकवादियों का कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है। प्रशांत कुमार ने बताया है कि दोनों आतंकी अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े हुए हैं। इनके टारगेट पर उत्तर प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक नगर थे। लोग मानव बम बनकर ब्लास्ट करने की तैयारी में थे। आपको बता दें कि इन दोनों आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तान में है। इनको पेशावर से ऑपरेट भी किया जा रहा था। वहीं पेशावर में इनका हैंडलर अल जैदी है। इनके मददगार लखनऊ व कानपुर के लोग भी हैं। इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। वहीं ये दोनों धमाके के लिए विस्फोटक जमा कर रहे थे। लखनऊ में मिन्हाज के घर से भारी विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किया गया है। वहीं खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के देश में रेल धमाका कराने की गहरी साजिश रचे जाने की सूचना दी है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में भी ट्रेनों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन व रेलवे सुरक्षा बल को आपसी सामंजस्य से चेकिंग बढ़ाने व पूरी सक्रियता बरतते जाने के निर्देश दिए गए। सूत्रों का कहना है कि खुफिया एजेंसियों ने एक ISI एजेंट के जरिए पंजाब में अपने संपर्क के युवक के माध्यम से ट्रेन में बम धमाके की साजिश रची थी। उन ट्रेन को निशाना बनाने के लिए कहा गया था जिनमें यूपी, बिहार व अन्य राज्यों के मजदूरों का आना जाना लगा रहता हो। वहीं बम धमाके की आशंका को देखते हुए उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी ट्रेनों की सघन चेकिंग कराए जाने के साथ ही रेलवे स्टेशन में संदिग्धों पर कड़ी नजर रखे जाने को भी कहा गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश को दहलाने की बड़ी साजिश लखनऊ में रची जा रही थी, जिसके पीछे अलकायदा का हाथ बताया जा रहा है। आतंकी मंसूबे स्वतंत्रता दिवस से पहले कई शहरों में धमाकों भी करने वाले थे, लेकिन इतना ही नहीं, अयोध्या, मथुरा व काशी में भी आतंकी घटनाओं का षड्यंत्र भी किया गया था। आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी कि ATS ने अपनी मुस्तैदी से इस बड़ी साजिश को नाकाम किया है। आतंकी संगठन अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को यानी कि मिन्हाज अहमद व मसरुद्दीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों का कहना है कि कुछ भाजपा नेता भी इनके निशाने पर थे। वहीं उत्तर प्रदेश रविवार को झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन लोगों पर बिजली कहर बनकर गिरी है। राज्य के कई जिलों में बिजली गिरने से 41 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 32 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। सिर्फ प्रयागराज में ही 14 लोगों की जान चली गई है, जबकि 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। कौशाम्बी में 4 और प्रतापगढ़ में 1 व्यक्ति की बिजली गिरने से मौत हो गई है। फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर में भी 3 महिलाओं सहित 5 लोग और कानपुर देहात में महिला सहित 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है। उन्नाव में चचेरे भाई बहन की भी मौत हो गई है।
साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज जिले की तहसील कोराव बारा करछना तथा सोराव में बिजली गिरने की घटना से हुई जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों के परिवारजनों को अनुमन्य राहत राशि तत्काल वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं मृतकों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की गई है। साथ ही साथ तहसील फूलपुर व सोराव में घायलों का उपचार कराने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। कौशाम्बी के चायल व मंजनपुर तहसील में दो दो लोगों की मौत हुई है। अपर जिलाधिकारी मनोज कुमार ने ये जानकारी दी है। प्रतापगढ़ में बिजली गिरने से लालगंज तहसील क्षेत्र में धान की रोपाई कर रहे युवक की जान चली गई। यहां 5 अन्य लोग झुलस भी गए हैं, हालांकि उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। संगम नगरी की बात करें तो वहां पर भी 3 बजे तक कभी तेज तो कभी मध्यम बरसात होती रही। शाम 6 बजे तक कुछ जगहों पर बूंदाबांदी जारी रही है। इससे उमस से राहत तो मिल गई। इससे पहले की बात करें तो जून के दूसरे सप्ताह में जोरदार बारिश भी हुई थी और इसका क्रम फिर रुक सा गया था। रुक करते अगली खबर की ओर। लखनऊ में संदिग्ध आतंकी की गिरफ्तारी के बाद कानपुर में भी आतंकी साजिश का नाम सामने आया है। आतंकी हलचल को लेकर यूपी एटीएस को सक्रिय किया गया है, जिसके बाद कानपुर में भी 2 संदिग्ध आतंकी दबोचे गए हैं। पहली बार यहां आतंकी संगठन अलकायदा की सक्रियता के सबूत भी मिले हैं। यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड द्वारा लखनऊ में पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ में कानपुर में गिरोह के कई सक्रिय सदस्य मौजूद होने की बात सामने आई है। तत्काल कानपुर में एटीएस की कई टीमों ने डेरा डाल दिया है। बताया गया है कि एटीएस जाजमऊ और बेगनगंज क्षेत्र से 2 संदिग्ध आतंकी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कई थानों की फोर्स कानपुर स्टेशन समेत अन्य जगहों पर मौजूद है और वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।